हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपके लिए कुछ एक ऐसी अननोन फैक्ट्स लेकर सामने आई हूं पवन अरुणता और उनके साउथ अफ्रीकन टूर के, जिसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा, इन दोनों को बहुत सारा प्यार देने की भी इच्छा होगी और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं शायद। तो चलिए शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। हुआ ये था कि जब ये शो की डेट डिसाइड की जा रही थी जोहान्सबर्ग के और डर्बन के, तब जाहिर है पूछना पड़ता है आर्टिस्ट से कि आर्टिस्ट अवेलेबल है या नहीं है, या इस देश में इस समय पर इस लोकेशन या वेन्यू पर खाली है क्या, इस समय हम लोग कोई शो कर सकते हैं क्या। अब एक चीज को लेकर हाँ बोल दिया जा रहा था, लेकिन तभी एक खुशखबरी आई कि जो सुपरस्टार सिंगर है उसकी डेट्स आगे बढ़ा दी गई हैं। तो फिर रुको रुको ऐसी बात करनी पड़ी थी और फिर फाइनल डेट्स जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें से नई डेट को निकालकर, यानी कि 20 और 21 को निकालकर ये डेट को साउथ अफ्रीकन जो सरकार है उनके सामने और जो टूरिज्म वाले हैं और जो ऑर्गेनाइजर है उनके सामने नई डेट्स को लाया गया। तो इस तरीके से एक परेशानी सॉल्व हुई। दूसरी आ गई पासपोर्ट की परेशानी। मैं तो अपनी पुरानी स्टोरी में बता ही चुकी हूँ कि कैसे हॉलैंड एम्बेसी की तरफ से पासपोर्ट डिलेड होते जा रहे थे और शो के लिए पवनदीप और जो उनके बैंड मेंबर्स हैं उनको भी बहुत डिले होकर उनकी फ्लाइट मिली है। हालांकि फ्लाइट तो अरुणिता की भी कोई बहुत इजी नहीं रही है, इन दिनों डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, तो मॉरिशस में रुककर मॉरिशस से फिर वो लोग पहुंच रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए। एंड एट द सेम टाइम अरुणिता की तबीयत खराब चल रही थी और इसी वजह से वो SS2 के नेहा कक्कड़ वाले शो में भी दिखाई नहीं दी थी, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपनी पुरानी स्टोरी में। सो अरुणिता उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए परफॉर्मेंस देने पहुंची है। पवनदीप अपने पासपोर्ट की वजह से परेशान हो रहे हैं, मिल नहीं रहा, इंतजार कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फाइनल पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में और क्या बैंड रिहर्सल्स की होगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लगातार प्ले करते हैं और फिर आगे बढ़कर गाना भी गाते हैं। डर्बन में भी यही किया है और जोहान्सबर्ग में भी ये किया है और रीजन सिंपल ये कि तुषार कामरा जी नहीं थे, तो तुषार पाजी आपको मिस किया गया है, मैंने भी मिस किया यार। अच्छा लगता है आप ड्रम बजाते हैं और स्माइलिंग सा चेहरा है आपका, तो अच्छा लगता है देखकर आपको, तो आपको मिस किया गया है। सो ये प्रॉब्लम जो थी नंबर टू की ये सॉल्व की है। अब तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका मंडे को टेक्निकल रिहर्सल होता है और ट्यूसडे को मेजर शूट होता है। अब ऐसे में टेक्निकल रिहर्सल्स जब होते हैं कैप्टन्स को तो होना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि बच्चे वहां गा रहे हो और ये टेक्निकल रिहर्सल्स ना हो और ये कैप्टन्स वहां पर ना हो, टेक्निकल रिहर्सल्स ऐसे ही हो जाए। दिस इज कॉल्ड समय को समय से लड़ाई करके समय के आगे भागना। ओके, भारत का जो समय है उससे अंतर पड़ता है अफ्रीकन समय का। ओके, अब वहां जैसे ही ये शो खत्म हुआ है, ये मेरी सोर्सेस की इंफॉर्मेशन है, जैसे ही शो खत्म हुआ है तो एक आर्टिस्ट रिलैक्स फील करता है कि चलो अब शो खत्म हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन नहीं, दानिश, अरुणिता और पवन फटाफट पैकिंग करके भागे हैं द अर्लीस्ट फ्लाइट को कैच करने के लिए, क्योंकि जब तक वो कैच नहीं करें तब तक मुंबई में उनकी जो टेक्निकल रिहर्सल्स है वो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। ओके, अब जब भी मैं फ्लाइट शेड्यूल देख भी रही थी तो सबसे अर्लीस्ट फ्लाइट जो पहुंच रही है वो खुद ही 11 घंटे की है। ओके, और बाकी के डिटेल्स तो आप खैर मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि फ्लाइट्स क्या क्या, गूगल बाबू दिखाते हैं हमें डिटेल्स के तौर पर। तो इतना सफर करने के बाद उन्हें फिर से आना है, उन्हें फिर से टेक्निकल रिहर्सल्स में जाना है और टेक्निकल रिहर्सल्स में अपने जितने भी बच्चे हैं उनको भी परफेक्शन सिखाना है, उनको भी गाइड करना है और जरूरत पड़ने पर इनको सभी को डुएट अगर गाने का बच्चों के साथ मौका पड़ता है और वो अगर तय किया गया है तो वो भी करना है। उफ, फाइट अगेंस्ट द टाइम यार, मतलब आप समय को ठेंगा दिखाकर आगे आकर अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। आई रियली डोंट नो ये लोग दोनों कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात है,
दुआएं देने की इच्छा जरूर होती है कि लगे रहो, बहुत सारा काम करो। एक दो साल बाद जब इस दिन को याद करोगे या बहुत सालों बाद जब इस दिन को याद करोगे तो हंसोगे, क्योंकि ये तुम सिर्फ समय से जीत नहीं रहे हो, तुम एक बहुत खूबसूरत याद बना रहे हो और लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक पूरी कहानी बुन रहे हो। फ्रेंड्स, आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी, इसलिए वो जो जीता वो सिकंदर कहा तो जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो जीता वो पवन अरुणिता या जो जीता वो अरुदीप, जो भी आपको प्यार से पुकारना है इन लोगों को, अब वो पुकार लीजिए, लेकिन ये बात सही तो लग रही है। समय से लड़ाई करके कोई कैसे पहुंच सकता है, वो भी ये लोग प्रूव करने पर तुले हुए हैं। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा काम करो, खूब काम करो और खूब चमको। अब आप बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है। जय हिंद।